कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो सीधे दिल से निकलते हैं और दिल में उतरते हैं। सर हमारे जो मामू है ना जी, वो एकदम इंटेक पीस है। जुल्फे हुआ करती थी गोरी गोरी बालाओं की असंख्य नजरें उनमें टकराया करती थी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जिंदगी में सबसे खूबसूरत चीज इश्क है, अगर वो ठीक ढंग से की जाए। अब कई लोग इश्क के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। जैसे एक खूबसूरत सी लौकी, मान लीजिए ये जो सामने बैठी है और इनके पीछे एक लड़का चला आ रहा था, सुंदर आराम से। मैंने लड़का कहा है, लड़का समझते हैं ना। आज से 48 साल पहले आप लड़के थे, तो लड़की के पीछे एक लड़का चला आ रहा था और लड़के ने कहा, सुनना आई लव यू, सुनना आई लव यू। लड़के, पीछे मेरी माँ आ रही है। तो क्या चिंता की बात है, हम भी खानदानी आशिक है, उसके पीछे मेरा बाप चला आ रहा है। पता नहीं, लेकिन इश्क आगे बढ़ा तो फिर शादी की बातचीत हुई। अब देखिए बातचीत हुई तो लड़के ने लड़की से, जब आपस में मिलते हैं तो लड़की के बाप ने लड़के से पूछा, भाई कितना कमा लेते हो? 27,000 रुपए महीना। लड़का बोला, कैसे रखेगा तू मेरी बेटी को? 19,000 रुपए तो हर महीने में उसके जेब खर्च के देता हूं। बोले, वो मिला के ही बोल रहा हूं। अब ऐसे लोगों के लिए एक ही चीज कही जा सकती है, वाह भाई वाह। और ऐसा आज ये जो लोग बैठे हैं, ये इश्क करते हैं कविता से, ये इश्क करते हैं शायरी से, ये इश्क करते हैं अपने वतन से, ये इश्क करते हैं अल्फाज से, ये इश्क करते हैं शब्दों से। इन तीनों को आप देखिए और हम इन तीनों से मुलाकात करते हैं। देखने लायक इनमें दो नहीं है। वाह क्या दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। मैंने सुना था कि लोगों के आने से 4 चांद लग जाते हैं, हमारे यहां 2 तो लगे। और इन 2 चांद के बीच में शाइस्ता सना बैठी है, तो मान लेते हैं कि 4 चांद इनके आने से लग गए। जरा इन चांदों के लिए तालियां बजाइए जरा जोरदार। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं और इनके लिए कहते हैं, वाह भाई वाह। तो भाई इधर ये जो पहला चांद है, ये सुंदर मालेगांवी है जो मालेगांव से हमारे बीच में आते हैं, कमाल की मजाहिया शायरी करते हैं भाई, कमाल के शेर कहते हैं। और सुंदर मालेगांवी इस तरफ है, उस तरफ जो है वो प्रतापगढ़ राजस्थान से सुरेंद्र सुमन आए हैं जो बैडमिंटन कोच है। भाई पेशे इनके वैसे अलग अलग हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये बैडमिंटन कोच है, और उनके बीच में एक होम मेकर है जो घर को भी बहुत अच्छे से संभालती है और शायरी को भी बहुत अच्छे से संभालती है। बरेली से हमारे बीच में आती है शाइस्ता सना, हम आप तीनों का स्वागत करते हैं। अब सुरेंद्र सुमन बड़े असमंजस में थे कि स्वागत में मैं ताली बजाऊं कि हाथ जोड़ूं, तो इनका जो प्रक्रिया थी वो बड़ी कमाल की थी। जैसे ही मैंने कहा स्वागत करते हैं, ऐसा जिंदगी में अक्सर होता है जब पता नहीं चलता कि क्या करना है। सर हमारी क्या इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही फास्ट है ना सर। अच्छा, इस बात का जब भी मुझे अर्थ समझ में आएगा मैं तालियां बजाऊंगा। खैर हम समझते हैं उनकी बातों को जिनकी बातों को समझने के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो सीधे दिल से निकलते हैं और दिल में उतरते हैं और बात करते हैं। इस कमाल के लोग कहते हैं भाई सुंदर मालेगांवी, चले आओ जोरदार तालियों के साथ सुंदर मालेगांवी।
सर हमारे जो मामू है ना जी वो एकदम इंटेक पीस है। अच्छा हाँ, तो मैंने सोचा ऐसा मामा किसी का नहीं होगा, मैंने दो चार लाइन उसके ऊपर लिखी। सुना जी, जी जी सुना। जब से बस्ती में आ गए मामू। वाह है ना एंटीक है ना। अरे आप खुद भी एंटीक है क्या सुनाते हैं। जब से बस्ती में आ गए मामू, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू। वाह, जब से बस्ती में आ गए मामू, नींद सबकी उड़ा गए मामू, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन। गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, गुस्सा ऐसा के बच गई समधन, कच्ची मिर्ची चबा गए मामू। आए हाय मामू, बन के काजी जो बैठे मसनद पे अक्द अपना पढ़ा गए मामू। मामू अक्द अपना पढ़ा गए मामू। और मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, मैं तो लाहौल पढ़ने वाला था, तुम तो पहले ही आ गए मामू। मामू तुम तो पहले ही आ गए मामू। एक मतलब शेर ये सुना, आते ही छा गए मामू। क्या शेर सुना गए मामू। आइए एक मतलब दो तीन शेर सुना जी। राहत भाई की एक गजल बहुत मशहूर है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। राहत इंदौरी साहब, स्वर्गीय राहत इंदौरी जो बहुत कमाल के शायर थे, शायर थे नहीं होते, शायर हमेशा होते हैं क्योंकि शायर के शेर हमेशा जिंदा रहते हैं। बहुत करीबी दोस्त थे वो, तो उनका एक शेर जो है गजल बड़ी मशहूर थी उनकी, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू छुरियां वुरियां खंजर वंजर सब। क्या तो उसी को आपने आधार बना के अपनी मिजाहिया गजल कही है जी। अब देखिए मैंने क्या जो काम किया वो देखिएगा कि सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विलर। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर विस्तर सब। सोना चांदी हंडा कलसी चिल्लर विल्लर सब, पत्नी लेकर भाग गई है बिस्तर विस्तर, और तेरी गली से जाना मुझको मिले यही तोहफे। तेरी गली से जाना मुझको मिले यही तोहफे, गंदे अंडे सड़े टमाटे पत्थर वत्थर सब। और तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, तेरी चाहत का नमक न हो तो फीके लगते हैं, आलू आलू बैगन बैगन डांगर वांगर सब। क्या बात है, आलू आलू बैगन बैगन डांगर वांगर। हालांकि मेरी शादी में शायर लोग भी आए थे जी, लेकिन और कौन कौन आया था मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी ईमानदारी से बताता नहीं है कि सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, सुंदर को शादी की बधाई देने आए हैं, भालू वालू गेंडे वेंडे बंदर बंदर सब। वाह वाह बहुत बढ़िया। सुंदर मालेगांव आप जितना बढ़िया कहते हैं उतना बढ़िया पढ़ते हैं, जो आपका अंदाज है वो कमाल का, आपके अंदाज के अंदर शाइस्ता सना इस कदर जो है वो खो गई थी कि वो दाद देना मुस्कुराना हंसना सब भूल गई थी और वो बस एकटक देखे जा रही थी कि आदमी कर क्या रहा है। कहाँ थी आप मतलब जब सुंदर पढ़ रहे थे इनका ये जो वापस कीजिए तो आपने किया कि आपका जो सब जो निकल रहा था वो इतना कमाल का था, और ज्यादा कमाल का वो था जो शाइस्ता ने करके दिखाया, वो ज्यादा कमाल का था भाई। बहुत बढ़िया कमाल हो गया भाई। सुंदर मालेगावी हमारे बीच में, तो आइए सुंदर मालेगावी के कजिन को बुलाते हैं। अब वो कजिन कैसे हैं? कजिन वैसे रिश्तेदारी में नहीं है, सर से कजिन है। तो आइए हम बुलाते हैं सुंदर मालेगावी के कजिन सुरेंद्र सुमन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मेरे मित्र सुंदर जो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, इन्होंने मुझसे कहा
सुमन जी, हाउ मेनी टाइप ऑफ गंजा? हाउ मेनी टाइप ऑफ गंजा? अंग्रेजी में पूछा? हाउ मेनी टाइप ऑफ गंजा? मैंने कहा सुंदर जी, 3 टाइप ऑफ द गंजा, पीछे से लेकर आगे तक बाल और यहाँ सपाचट मैदान, दैट इज द हाफ प्लेट गंजा। हाफ प्लेट, दैट इज द हाफ प्लेट गंजा। और पीछे से लेकर आगे तक, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, पूरा सपाचट मैदान, दैट इज द फुल प्लेट गंजा। दैट इज द फुल प्लेट गंजा। और दोनों तरफ घने वृक्ष, दोनों तरफ घने वृक्ष और बीचो बीच NH4 हाईवे 4 लेन, दैट इज द 4 लेन गंजा। और ये ऐसा हाईवे जिसमें टोल टैक्स भी नहीं है। कमाल का है भाई। वैसे एक बात बताऊं, आपने जिस गंजे की बात की इधर साइड में बाल, तो हमारे स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि ऐसा ही जिसके एनएच फोर था, मतलब नेशनल हाईवे बना हुआ था, तो इधर बालों के गुच्छे में बैठे हुए एक जुए ने अपने जू से कहा क्या? कि चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। ये भी बोली हमें तैयार चलो। आप सब मुस्कुरा रहे हैं। एक जमाना था जब हमारे भी, यानी कि हमारे भी जुल्फे हुआ करती थी। आए, हाए, आए, हाए, 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 हाए। एक जमाना था जब हमारे भी जुल्फे हुआ करती थी, गोरी गोरी बालाओं की असंख्य नजरें उनमें टकराया करती थी। बहुत बढ़िया आपने सुरेन जी, बहुत अच्छा, मतलब जुल्फे हुआ करती थी, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज के लिए जरा कहना चाहूंगा, जो गोरी गोरी बाल, ये क्या था अचानक, मतलब ये क्या हुआ आपको, मतलब गोरी गोरी बालाओं को याद करके अचानक आप में ये जो है विद्युत प्रवाहित हुआ सर, समय का वो, या फिर ये जुल्फों को याद करके आप में ये बिजली का करंट दौड़ा है सर? वो 18 साल पहले का वो प्यार याद आ गया। हाँ, प्यार अगर याद आ गया तो इधर की दिल इधर होता है। जी, एक जमाना था जब हमारे भी जुल्फे हुआ करती थी, असंख्य नजरें गोरी गोरी बालिकाओं की, असंख्य नजरें उनमें टकराया करती थी, दिल में जाने कितनी हिलोरे की तरंगे उड़ा करती थी, नजरें तो अब भी टकराती है, अफसोस लौट कर चली जाती है। नजरें तो अब भी टकराती है, अफसोस लौट कर चली जाती है, और दुख तो इस बात का है कि जो मेरे उम्र की नजरें हैं वो भी आती है पर रुकती नहीं, फिसल कर आगे बढ़ जाती है। बड़े दुख है, आपको मजा आ रहा है, आपको आनंद आ रहा है, क्या दर्द बताऊं सर। 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए। अरे, 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए, मेरे दिल के अरमान मेरे दिल में रह गए, प्रेमिका से मिलने के मेरे सारे सपने अधूरे रह गए। 18 साल की उम्र में मेरे बाल चले गए, दिल के अरमान दिल में रह गए, प्रेमिका से मिलने के सारे सपने अधूरे रह गए। ये देखकर मेरे पिताजी बहुत बड़ी टेंशन में हो गए। मेरे पिता ने मेरा फोटो राजस्थान के हर जिले में भिजवाया, लेकिन सर कोई जवाब नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो हिंदुस्तान के हर गांव हर शहर में भिजवाया, लेकिन सर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन सर कोई जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया। फिर मेरे पिता ने मेरा फोटो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, न्यूयॉर्क, 16 देशों के अंदर भिजवाया, लेकिन सर कोई जवाब नहीं आया। क्योंकि लड़की मेरे फोटो को नीचे से गले तक देखती और कहती कि सेलेक्ट। लड़की मेरे फोटो को नीचे से गले तक देखती और कहती कि सेलेक्ट, लेकिन जैसे ही मेरे 4 लेन को देखती रिजेक्ट। इस प्रकार से मुझे हजारों लड़कियों ने रिजेक्ट किया, लेकिन मैं फिर भी जिंदा रहा। वाह वाह। लेकिन मैं फिर भी जिंदा रहा, क्यों? क्योंकि हम गंजे बहुत बड़े मजेदार होते हैं। अरे हम गंजे बहुत बड़े दमदार होते हैं। अरे वाह वाह, क्या बात है।
ये इस तरह की स्वीकृति देना, स्वयं की बात को जमाने के सामने रखना बहुत मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल काम है। आपने बताया कि हजारों लड़कियों ने आपको रिजेक्ट किया भाई, लेकिन उसके बाद भी आप जिंदा रहे। यार बालों की वजह से रिजेक्ट कर दिया, जबकि आजकल तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आजकल जिस गति से बड़ी उम्र के आदमी युवतियों से विवाह कर रहे हैं, ऐसा मैं खबरों में पढ़ रहा हूँ, और जैसे उनके जोड़े बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब अखबारों में छपेगा, घूंघट उठाते हुए एक को और हार्ट अटैक आया। इसलिए सुरेंद्र सुमन जी, मेरी आपको सलाह है कि आप बाल उगाने की छोड़िए, कमाने की सोचिए। अगर ये होगा तो सब कुछ हो जाएगा, फिर कहीं से रिजेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन आप दोनों ने कमाल किया, चाहिए हम इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? सर पूजा। पूजा जी, क्या कहना चाहती हैं पूजा, इस कार्यक्रम में आके क्या लगा आपको, कैसा महसूस हुआ, कोई सवाल, कोई इच्छा? ये सही कह रहे हैं कि बाल नहीं होते तो रिजेक्शन मिलता है, बट कोई नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरा ऐसे सोचना है। बाल रहे ना रहे, शादी तो सबकी हो जाती है। कोई जाती है, सही। जैसे आपने बोला पैसा कमाओ तो सब कुछ मिलेगा, कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा। जिंदगी में यही सबसे बड़ी चीज है, समझ में आई आप लोगों को? इससे बड़ा कुछ नहीं है। थैंक यू पूजा, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। भाई जिंदगी में बात में से बात निकलती है तो बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं बात बहुत अच्छी करते हैं, कुछ कहते हैं बेबात की बात करता है, कुछ कहते हैं लोग बेबात में से बात निकलती है। आज तो बेबाल में से बात निकली है। तो दो बेबाल जो है, इन्होंने कमाल की बात कही, और अब जो आने वाली है उनका सुर, उनके शेर सुन के आप कहेंगे कि भाई शैलेश भाई, इतने समय से टेलीविजन पे आप शो कर रहे हैं, शाइस्ता सना कहाँ थी अब तक? अब शाइस्ता सना आपके बीच में आ रही है, बरेली से हमारे बीच में, और मैं जानता हूँ कि जब वो शेर सुनाएंगे आप कहेंगे वाह भाई वाह। आइए शाइस्ता जी। एक मतला दो शेर में तहत में पढ़ती हूँ जी। मतला यूँ है कि एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा हाए, है हाए, एक अनमोल निशानी की तरह रखा है, तेरा गम आँख में पानी की तरह रखा है। कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको, कोई भी पढ़ न सके इसलिए उसने मुझको, एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है, एक अधूरी सी कहानी की तरह रखा है। और ये शेर के मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, मेरा महबूब है मजदूर मगर उसने मुझे, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है, अपनी कुटिया में भी रानी की तरह रखा है। तरंग में गजल मैं पढ़ती हूँ, मतलब पेश करती हूँ, देखें। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, कोई गम में पराया ही नहीं। शेर देखें, चांद इस शहर की जानिब कभी आया ही नहीं, चांद इस शहर की जानिब कभी आया ही नहीं, इसलिए मैंने चरागों को बुझाया ही नहीं, इसलिए मैंने चरागों को बुझाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं, जिसको आना था वो परदेश से आया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। और ये शेर, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया
आया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। और आखिरी शेर देखें जी, ऐसा ना मैंने गजल में ये शरारत की है। अच्छा, ऐसा ना मैंने गजल में ये शरारत की है, ऐसा ना मैंने गजल में ये शरारत की है। शेर जो मुझको सुनाना था सुनाया ही नहीं, शेर जो मुझको सुनाना था सुनाया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया है, ही है, नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है भाई, शाइस्ता सना आपने कमाल कर दिया। और क्या शेर था बढ़िया वो, कि मैं भी उसकी दुल्हन को दुआएं देती लेकिन कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। लेकिन आजकल बुला लेते हैं शादी में, एक लड़की की शादी हो रही थी तो पुराने बॉयफ्रेंड को बुला लिया, अब वह पब्लिक में फैल गया वो। क्या रहा है, मजा ले रखा है। तो मोहल्ले वालों को लगा कि भाई आशिक है, पुराना गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है तो थोड़ा सा सरक लिया है, असली बात बाद में पता चली। वो क्या रहा है, मतलब कि सारी रात बात मुझसे की इसने, शादी हो रही है इसकी, और तो पनीर खत्म हो गया यार, खाऊं क्या मैं यहाँ पे। जिंदगी में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, इश्क मोहब्बत आदमी को प्रैक्टिकल नहीं रहने देता। जैसे हमारी हिंदी फिल्म में प्रैक्टिकल नहीं होती है, लेकिन हमारा कभी बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। तो हम हिंदी फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे और ये क्या सुनाएंगे जरा ये बताएंगे, तो देखते हैं कहानी थोड़ी इल्मी है। हमारी फौज के वीर जवान इसको कुछ याद आता है, फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, फौलादी सीने वाला जब दुश्मन से टकराता है, रक्त की अंतिम बूंदों तक वो माँ का कर्ज चुकाता है। क्या बात है, धूल चटाए दुश्मन को जब वो शहीद हो जाता है, अमर तिरंगे में लिपटा जब वो अपने घर को आता है, जन सैलाब उमड़ जाता, जन 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 सैलाब उमड़ जाता, हर कोई उसके दर्शन को आता है, भारत माँ और वंदे मातरम के नारों से गगन गूंजता जाता है, तीन रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, भारत माँ का लाल ही आता है, तीन रंग में अमर तिरंगे में लिपटा, भारत माँ का लाल। क्या बात है, कितनी सार्थक बात पे आज का एपिसोड हम मंजिल तक पहुंचा रहे हैं, वतन की बात, देश की बात। ये जितने लोग हैं जो हंसी की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, लेकिन उनके भीतर जो भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो जिंदा रहता है वो इस देश का भाव, वो इस वतन का भाव। तब मुझे जाते जाते एक बड़े मकबूल शायर कवि हैं, उनकी दो पंक्तियां याद थी, वो कहते हैं कि वैसे तू प्यार पर गजलें तमाम लिख, वैसे तू प्यार पर गजलें तमाम लिख, फिलहाल तू अपने शेर देश के नाम लिख। वाह भाई वाह, आइए